यहाँ पर मैंने 2 कटोरी साबूदाना रात में पानी में भिगो कर रख दिया था। अब ये मैंने निथार कर तैयार कर लिया है। मूंगफली ली है मैंने, टमाटर लिया है एक, और 2 हरी मिर्च ली हैं। अब यहाँ पर जो साबूदाना था वो मैंने निथार कर अलग कर लिया है। इसमें बिल्कुल पानी नहीं है, ड्राई हो चुका है। तो आपको भी इसी तरीके से लेना है, तभी आपका साबूदाना खिला खिला बनकर तैयार होगा। और यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं 2 बड़े साइज़ के, उनको चौक कट कर लिया है। यहाँ मैंने प्याज स्किप कर दिया, आप ऐड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे और सबसे पहले आलूओं को तलकर तैयार करेंगे। फिर उसके बाद मूंगफली तलेंगे, और अगर आप प्याज यूज़ कर रहे हो तो सबसे पहले आप आलूओं को तलकर निकाल लेंगे, उसके बाद आप प्याजों को फ्राई करेंगे। तो जब तक हम अपने साबूदाना में काली मिर्च, नमक और नींबू मिलाकर तैयार कर लेंगे। अगर आप नींबू खाते हैं, खट्टे पसंद हैं आपको साबूदाने, तो आप ऐड कर लीजिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इनको अच्छी तरीके से शैलो फ्राई कर लेंगे। अगर आप डीप फ्राई करना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा ऑयल बढ़ा देंगे और डीप फ्राई हो जाएंगे। तो बस अब इन, अब सबसे पहला यही काम है कि जो चीज़ें हैं हमारी, फ्राई करने में ही देर लगती है इसमें नाश्ते में, नहीं तो ये नाश्ता बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। और जब तक आप फ्रेश करी लीव्स भी तैयार कर लीजिएगा, वो भी इसमें डलती हैं, वो बहुत ही फ़ायदा करती हैं हमारी बॉडी के लिए। तो बस इसको हम कर लेंगे। फिर दूसरी तरफ जो मूंगफलियाँ हैं उन्हें कढ़ाई में डाल लेंगे, इनको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक ये टाइट नहीं हो जाती। ये देखिए हमारे आलू फ्राई हो चुके हैं, अब मूंगफली भी हमारी फ्राई हो चुकी है। अगला स्टेप, सबसे पहले हम राई डालेंगे, करी लीव्स डालेंगे, फिर हमने यहाँ पर टमाटर और हरी मिर्च का जो पेस्ट होता है, ये जो पीसेस है वो डाला है, और मूंगफली आलू कटे हुए पीसेस वाले वो डाल देंगे, फ्राइड सारी चीज़ें। अब इसके बाद अगर आप इसमें थोड़ा सा और हरी मिर्च डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, आपको चरपरा पसंद है। और इसके बाद हम यहाँ पर साबूदाना भी ऐड कर देंगे लास्ट में। ये देखिए हमारा हो चुका है ऐड साबूदाना। तो बस ऊपर से आप नींबू निचोड़ दीजिएगा इसके ऊपर से, और जब आप खट्टा चाहते हैं। और ये हमारे बिल्कुल बनकर रेडी हो गए। अगर आप इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको खट्टा पसंद है, नींबू डाल सकते हैं और थोड़ी सी काली मिर्च, नमक भी बढ़ा सकते हैं। देखिए हमारे बिल्कुल तैयार हैं सर।